नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण की विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे कोविड सहायकों ने शुक्रवार को अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पोस्ट कार्ड अपनी मांगों को लिखकर एक अभियान शुरू किया। इसकी जानकारी देते हुए सीएचए के प्रदेश संयोजक गौरव स्वामी ने बताया कि कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर कार्यरत 120 और जिले में करीब 700 कोविड स्वास्थ्य सहायक अपने कार्य को सजगता के साथ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को जिले में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने पोस्ट कार्ड पर अपनी मांगों को, इसमें प्रमुख रूप से सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती को नियमित किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनका वेतन भी मात्र 7,900 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26,500 किया जाए। वहीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों का पद नाम बदलकर नर्स ग्रेड द्वितीय किए जाने की मांग को लिखकर एक अभियान चलाया गया है, जिसे सरकार को भेजा जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए अनीता वर्मा ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में कोविड स्वास्थ्य सहायक के रूप में कई महिला कर्मी भी कार्यरत है और 7,900 वेतन में उनके परिवार का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके वेतनमान में वृद्धि कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। वहीं उन्होंने उनका पद नाम बदलकर नर्स ग्रेड द्वितीय करने की भी मांग रखी है। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक गौरव स्वामी, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र, युवराज परिहार, चंद्र प्रकाश कीर, संगीता जाट, देव शर्मा, भावना धाकड़, अनीता वर्मा, चंचल चौधरी, शंभू सालवी सहित कई कोविड स्वास्थ्य सहायक मौजूद रहे। संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। गौरव जी, बात की जाए, आज पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है, किस मामले को लेकर किया है और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, पोस्ट कार्ड अभियान जो हमने आज शुरुआत की है, इसी क्रम में पहले हमारे द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था काली पट्टी बांधकर सरकार को संज्ञान में लाने के लिए। हमारी काफ़ी कुछ मांगे हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक की। जो राजस्थान में पूर्व कोविड में जो 25,000 की वैकेंसी निकली थी राजस्थान में कोविड स्वास्थ्य सहायक नाम से, और आज हर जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायक वैक्सीनेशन में और वर्तमान समय में जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं उनको काम कर रहे हैं उनको लेकर, और काफ़ी हमारी समस्याएं हैं। जैसे कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती को स्वास्थ्य विभाग में शामिल किया जाए, पहली मांग हमारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायक का अभी वर्तमान में 7,900 वेतनमान है, जो आज के समय में वर्तमान में काफ़ी कम है और सम्मानजनक नहीं है। तो हमारी मांग ये कि हमारा वेतन 26,500 किया जाए। और तीसरी मांग हमारी कोविड स्वास्थ्य सहायक में जैसे भी जितने भी हैं, कोई GNM है, कोई BSc, कोई NM है, तो हमारा नर्स ग्रेड सेकंड किया जाए पदनाम। और आज के समय में पूरे वर्तमान में पूरे राजस्थान में जितनी गति से जो केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आप देख ही रहे हैं पूरे राजस्थान में, तो आज वर्तमान समय में कोविड स्वास्थ्य सहायक है कि चिकित्सा विभाग में रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है चिकित्सा विभाग में। मुख्यालय में 120 कोविड स्वास्थ्य सहायक है चित्तौड़गढ़, और पूरे जिले में 700 के आसपास कोविड स्वास्थ्य सहायक है। नाम आपका? मेरा नाम अनीता वर्मा है, मैं कोविड स्वास्थ्य सहायक हूं। बात कीजिए, कितने समय से यहाँ पर काम कर रही है? मेरे को 5 महीने हो गए, 6 महीने रनिंग में है मेरा। तो बारों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो हमें वेतनमान मिल रहा है, इसमें परिवार चलाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने से पेमेंट में कुछ नहीं होता है। और बहुत सी फीमेल स्टाफ हैं जो बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो उनके लिए भी अपना गुजर करना बहुत मुश्किल है इस पेमेंट में। तो क्या बस सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारा जो वेतन है वो सम्मानजनक किया जाए, 26,500 किया जाए, और जो हमारा कोविड स्वास्थ्य सहायक है इसे नर्स ग्रेड सेकेंड किया जाए सभी जगह पर। बस यही हमारी मांगे हैं सरकार से, जिन पर सरकार प्लीज़।